खबर रायबरेली के सदर से है, जहां एक महिला को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। इस महिला का कहना है कि इसका निकाह 2016 में तेलीबाग नेपालगंज के निवासी से हुआ था। तब से लेकर अब तक ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। बता दें कि पीड़िता एक बच्चे की माँ है और वर्तमान में 5 महीने की गर्भवती भी है। पीड़ित महिला न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। क्या पर्चे है, कहाँ से आई हो? अली मियां कॉलोनी रायबरेली से। क्या हुआ यार? हमारे ससुराल नेपालगंज तेलीबाग लखनऊ की है। वहाँ पे हमें 6-5 साल पहले शादी हुई थी। तो जब से शादी के साल ही भर के बाद से लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। कोर्ट में भी मामला हमारा चल चुका, वहाँ से सुलह समझौता करा कर ले जाते हैं। उसके बाद में ले जाकर कुछ दिन बाद ये लोग फिर वहाँ पे प्रताड़ित करते हैं और घर बेच कर पैसे देने की मांग करते हैं। मायके से घर बेच कर पैसे लेकर आओ, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हम अकेले हैं, बाप भाई कोई नहीं है। इसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि अपनी माँ से कहो घर बेचे, यहाँ आए पैसे दें हम पे। कहीं आपने शिकायत किया? जी, महिला थाने में शिकायत की थी और PGI थाने में भी, वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन दी है। आज कहाँ पे आई हैं? आज SP ऑफिस आए हैं। जब वहाँ से वो लोग नहीं आ रहे महिला थाने से बुलाने से, तो फिर यहाँ पे हमें आना पड़े। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएंगी? फिर आगे महिला आयोग जो भी होगा वहाँ पे देखा जाएगा। और क्या नाम है आपका? परवीन बानो। कहाँ से आई हैं आप? अली मियां कॉलोनी के पास में। क्या हुआ है? हमारी बेटी को सही से ससुराल में रखा नहीं जाता। हमारे पति भी नहीं है, हम अकेले हैं, बिटिया की शादी किया है। रोज लेन देन के लिए हमारी बिटिया मारी जाती है। कभी पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं हमारे नाम घर करो, हमारी बिटिया मारी जा रही है। हम 6 साल से गुजर करने के लिए बिटिया को वही घर भेजते हैं, वही घर से हमारी बिटिया मार के भगाई जाती है। हम किसी तरीके से 2 बार घर के समझौते से भेजा, कोर्ट के द्वारा भेजा, लेकिन वो लोग बस 4-6 दिन 8 दिन रखते फिर मार के भगा देते। हम अगर आदमी के हम कहाँ से बिटिया का नातिन का पूरा करें, हमारी बिटिया के पेट में भी कुछ है और 4.5 साल की नातिन है, सब हम पूरा कर रहे हैं 6 साल से। कहीं एप्लीकेशन आपने दिया? हाँ दी है। कहाँ पे दिया? PGI थाने दी। और कहाँ पे दिया? बाद में महिला में दिया। आज कहाँ पे आई हैं आप? आज हम साहब के वहाँ खड़े हैं। आपकी सुनवाई नहीं होगी फिर कहाँ जाएंगी? हम जहाँ तक हमसे पहुँच होगी हम वहाँ तक जाएंगे, अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाएंगे। हमारी बिटिया को इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं सर, हम बहुत परेशान हैं। हमारे कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। माँ बेटी अपना जीवन किसी तरीके से बिस्कुट टॉफी की दुकान रख के अपना जीवन काट रहे हैं, हम कहाँ से पैसे दें इन लोगों को। रायबरेली से राकेश सरोज की रिपोर्ट।